हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है इम्तियाज और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल टेक्नोज बाइक व्लॉग। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा हेड में वाल फिटिंग कैसे किया जाता है बिना कोई टूल्स के। कोई भी इसमें टूल्स नहीं लगाऊंगा और जिसके वाल हैं दोनों मैं फिट कर दूंगा। तो ये मेरे पास सुजुकी जिक्सर बाइक जो मैंने खोला था वो वाली वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा, तो वीडियो आप लोग पहले देख लो, आप लोगों को समझ में आ जाएगी सारी कि इसमें क्या प्रॉब्लम थी और किस वजह से हमारे जो हेड है हेड के वाल वगैरह चेंज हुए थे। बाकी हमने इसका जो वाल है वाल ग्राइंडिंग करवा लिया है, सिर्फ वाल को हेड में करना है फिटिंग। वही चीज़ आप लोगों को बताऊँगा कि हेड में वाल फिटिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो हमको ये वाइसर लगा लेना है। ये एक वाइसर है जो यहाँ पर लगेगा गाइड के नीचे, गाइड में हमारी गाइड में वाइसर हमने लगा दिया। अब इसमें एक ये जो वाल सील है ये हीरो की है, 80 रुपये MRP है, हीरो की है। हीरो की वाल, वो हीरो की जो वाल सील है वो आप लोग लगा सकते हो सुजुकी जिक्सर में, दोनों वाल सील सेम आती हैं। तो ये मैं लगा दी हूँ, ये बिना प्रॉब्लम किए बैठ जाती है, बिल्कुल आराम से बैठ गई सुजुकी जिक्सर में। आप लोगों को अगर वाल सील नहीं मिल रही सुजुकी जिक्सर की तो आप लोग हीरो होंडा की वाल सील लगा सकते हो। तो हमने वाल सील दोनों लगा दी है, वाइसर भी लगा दी है। और अब इसका जो वाल है, वाल एक लेता हूँ मैं, यहाँ पे वाल फिटिंग करते हैं। यहाँ पे पहले कपड़ा मार लेना है, हमने ग्राइंडिंग जो मैंने करवा ली है वाल की, सिर्फ फिटिंग करना है। तो यहाँ पे दो वाल हैं हमारे, ये दो वाल हैं जो EVL कंपनी के वाल मैं इसमें डाला हूँ, बिल्कुल ओरिजिनल वाल डाला हूँ EVL कंपनी के, बहुत अच्छे आते हैं EVL कंपनी के। तो जो मैंने वाल डाला EVL कंपनी के उसकी अगर आप लोगों को MRP चाहिए तो मैंने जो दूसरी वाली वीडियो बनाई इसकी इंजन फिटिंग की उसमें मैंने सारी जानकारी आप लोगों को दी है। तो उसमें आप लोग देख सकते हैं इसके जो वाल हैं वाल की प्राइस कितनी है। तो वाल में ऑयल लगा लिया है, वाल सील भी लगा लिया है, और अब ये जो बड़ा वाला वाल है तो बड़े वाले वॉल का खाँचा यहाँ पर, तो हम बड़ा वाला वॉल यहाँ पर बिठाएंगे कुछ इस तरीके से। ये वाल हमारा बैठ गया। अब यहाँ पे एक रोड रखना है हल्का छोटा सा इस तरीके से। अब इसके ऊपर वाल को बिठाना है, वाल इस ये जो रोड है इसके ऊपर रखना है। तो यहाँ पे हम इसे अटैच कर लेंगे यहाँ पे, ये वाल को देखो बिना पुलर के मैं बिठा रहा हूँ। मेरे पास इसका पाना है प्रॉपर वाल फिटिंग करने का, बट हर किसी के पास नहीं होता है, तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि इस तरीके से आप लोग हेड के वाल फिट कर सकते हो। नीचे मैंने डिस्टन रखा है एक, उसी में वाल फंसा दिया। अब ये जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग में देखो पतला इधर है और इधर जाड़ा है, तो जाड़ा वाला हमको रखना है नीचे के साइड में। ये देख लो, ये देखो जाड़ा वाला, जाड़ी वाली स्प्रिंग नीचे के साइड में रखना और पतली वाली उसको ऊपर की साइड में रखना। वाइसर बिल्कुल रखना मत भूलना, नीचे एक वाइसर रहता है, वाइसर मैंने रख दिया, ऑयल सील भी लगा दिया था। और अब जो इसका बाहर वाला वाइसर लेते हैं ये, और इसमें दो जो लॉक लगते हैं ये लॉक को एक यहाँ पर लगा दिया और दूसरा वाला यहाँ पे लगा दिया कुछ इस तरीके से। ये देखो इसे यहाँ से बिठा देना है, ये बस इसे बिठा के अब इसको स्प्रिंग के ऊपर रखना है और वाल को, वाल का जो क्लियरेंस है वो देखना है। ये देखो यहाँ पे इस तरीके से बिठा लेना है, अब दोनों उंगलियों से और लॉक को पकड़ना है कुछ इस तरीके से, और इसे नीचे की तरफ प्रेस करना है। अपने हाथों को, उंगलियों को नीचे की तरफ प्रेस करोगे, स्प्रिंग को दबाओगे तो लॉक आपके बैठ जाएंगे। ये देखो बैठ गए लॉक, नीचे डिस्टन रखना जरूरी है। अगर डिस्टन नहीं रखोगे तो वाल नीचे चला जाएगा और फिर आपका लॉक नहीं लग पाएगा, तो इसे रखना बहुत ज़रूरी है। ये देखो एक वाल हमारा फिट हो चुका है, अब दूसरा वाल भी चलो फिट कर लेते हैं इसी तरीके से। सबसे पहले वाल लेना है, वाल में हमको ऑयल लगा लेना है पूरे में इस तरीके से, वाल में ऑयल लगाना बहुत ज़रूरी है। ये यहाँ पे रॉड में भी लगा लेना है कुछ इस तरीके से ये। और अब इसको हम, ये हमारा है एग्जॉस्ट साइड वाला, साइलेंसर साइड वाला छोटा आता है, यहाँ पे ये बिठा देना है। ये बैठ गया, अब वापस हमको ये वाले वाल को डिस्टन के ऊपर रखना पड़ेगा कि वाल नीचे ना जाए। यहाँ पर इसे यहाँ से इस तरीके से रख लिया, इसमें वाइसर मैंने पहले ही लगा लिया नीचे वाला, उसके बाद वाल सील लगा दिया था। और अब इसकी जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग लगाना है सेम उसी तरीके से जो हमने इस साइड की फिट किया था, पतली वाली ऊपर रखना है और जाड़ी वाली नीचे रखना है। जाड़ी वाली नीचे रख दिया, अब इसका जो बाहर का लॉक और वाइसर लेते हैं, ये वाइसर और ये रहा हमारा लॉक। लॉक को यहाँ पर एक बिठा देते हैं, यहाँ पर सीधा करते हैं, यहाँ पर इस तरीके से बिठाना है। ये देखो अब ये जो लॉक है, ये जो पतला वाला है इसको नीचे के साइड में रखना है। ये देखो पतला वाला नीचे के साइड में जाएगा, ये वाला नीचे के साइड में जाएगा, तो इसको हमको यहाँ पे रखना है कुछ इस तरीके से। ये देखो ये बैठ गया और यहाँ पे लॉक हमारा बैठ चुका है। अब हम इसको वाल में करते हैं अटैच,
बाल को बीचों बीच में रखेंगे इस तरीके से, और अब सेम उसी तरीके से दो उंगली हमारी लगेंगी इसमें, दो उंगली से लॉक को पकड़ लेना और स्प्रिंग दोनों को एक साथ दबाना है। ये एक साथ दबाओगे आपका जो लॉक है वो वाल में बैठ जाएंगे। ये देखो बैठ गए, ये डिस्टेंस मैं नहीं रखता तो वाल हमारे नहीं बैठते, डिस्टेंस रख लेना बहुत ज़रूरी है। अभी हमारे दोनों वाल जो है कंप्लीट बैठ चुके हैं, फिटिंग हो चुके हैं, तो कि इस तरीके से आप लोग वाल फिट कर सकते हो विदाउट पुलर कोई भी। इसे दबा के देखता हूँ, ये देखो प्रॉपरली काम कर रहे, ये वाला भी दबा के देख लेता हूँ, ये भी, ये देखो प्रॉपर काम कर रहे। तो इस तरीके से हमने इस बाइक का वाल जो है फिटिंग किया, और इसी तरीके से हम करते हैं। और पुलर तो है मेरे पास, अगर मैं चाहूँ तो पुलर से भी कर सकता था, लेकिन हर किसी के पास नहीं होता है, तो इस वजह से मैंने ये चीज़ करके दिखाया और समझाया आप लोगों को। बाकी ये वीडियो कैसी रही आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बता देना, और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और इसकी फुल इंजन की वीडियो मेरे दूसरे वाले पार्ट में मिलेगी, वो वाली वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड होगी, वो वाली वीडियो ज़रूर देख लेना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक और बेस्ट वीडियो के साथ।